संविधान में आवश्यक संशोधन के लिए हमें अपने काम को, अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना, और इसके लिए हम अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा इस पार्टी का दायित्व अपनी मांग मुद्दा को पूरा करवाते कराने के साथ साथ अपने आगामी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने संगठन को भी आगे बढ़ाना है। अपने मूवमेंट, अपने मिशन के लिए, अपने पार्टी के संगठन के लिए, और जो दायित्व मिला, जो सरकार की दायित्व है, जो जनता का सेवा करना है, अपने विभागीय जो दायित्व है उसको बखूबी पूरी सक्षमता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, वो भी हमें जनता का सेवा करना है। हमारी पार्टी के अंदर क्राइसिस चल रहा है, सबको पता है। वैधानिकता की बात है, वैधानिकता हम लेंगे निर्वाचन आयोग से, हम वैधानिकता लेंगे, है उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया में हम प्रवेश करेंगे, प्रवेश हो भी चुका है। देश के अधिकांश रैंक एंड फाइल, जनता समाजवादी पार्टी के अधिकांश रैंक एंड फाइल आपके साथ है, अधिकांश आपके साथ। समाजवादी पार्टी ने जनता का काम, मांग मुद्दा को आगे बढ़ाया है, और बाकी मांग मुद्दा के लिए सरकार में जाना चाहिए, और विकास तो ठीक किया है, ये जनता कह रही है। यही एक हमारी पूंजी है, यही हमारी पूंजी है। बाहर में जनजातियों में तो मैं देख रहा हूं, बाहर के जनजातियों में एक उभार है, बाहर के लोगों में एक उभार है आपके प्रति, क्योंकि मिशन यहां दिखता है, यहां मिशन दिखता है, इस मिशन यहां से पूरा हो सकता है। तो चौतरफी हिमाल पहाड़ तराई मधेश में भरोसा विश्वास यदि भरा है, तो महान ठाकुर के नेतृत्व वाली जो पार्टी है, जनता समाजवादी पार्टी, इस पार्टी के प्रति